लेकिन अभी आप पढ़ना नहीं चाहते, अभी आप स्टडी करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी हमें ऐसे पास कर दे, ऐसे पास कर दे, लेकिन आगे क्या होगा अपने आप आसपास में देख लीजिए, कितने डिग्री किए हुए बैठे हुए हैं, आप भी उन्हीं श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं या भीड़ से अलग होना चाहते हैं? अगर भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो जो अभी आपको पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है, एग्जाम हो या नहीं हो, आप अपने आप को तैयार रखिए। आई एम राइट या रॉन्ग स्टूडेंट? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीए बीएससी करने के बाद वो कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग करते हैं, जीके जीएस का एक अलग कोचिंग लेंगे, इंग्लिश का एक अलग कोचिंग लेंगे, मैथ का एक अलग कोचिंग लेंगे, रीजनिंग का अलग कोचिंग लेंगे। उस कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है आपने सोचा है कभी स्टूडेंट्स? उस कोचिंग में वही हम पढ़ाया जाता है जो हमने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा। 6 से 10 तक का जो हमारा एनसीईआरटी का बुक था उसको मैंने अच्छे से अपने ब्रेन में नहीं डाला, इंटर में भी जो हमारा सब्जेक्ट था उसको भी मैंने ब्रेन में नहीं डाला, और अभी आप बीए में हैं अभी भी वही गलती कर रहे हैं। अगर आप वो गलती करेंगे तो आपके आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे डिग्री अधारी जो बीए है, बीएससी है, एमए है, पीएचडी है, लेकिन आज मॉल में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ सपने थे, लेकिन वो गलतियाँ किए हैं, आप भी वही गलतियाँ कर रहे हैं। इसलिए अभी से जागिए, अगर आपका बीए बीएससी करने का कुछ मकसद है, यही आपसे हमें कहना था। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और अपने स्टडी को अभी से चालू करेंगे, अपना एक रूटीन बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको करना होगा।